एसपीडीएफ ब्लॉक में क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं, उसको बांटे हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। कुछ जानकारियों को हमें शामिल करना है अपने से, और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बताइए, उनकी गुण बताइए। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं कि उनके जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, कुछ कॉमन गुण हैं, उनको आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों काम कराऊंगा, समझाते भी जाऊंगा, लिखाते भी जाऊंगा, ताकि फाइनली आपके दिमाग में बैठ जाए और रिविजन भी कर सको घर में बैठ के, ठीक है। तो सबसे पहले समझें, लिखें एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पहली बात क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट की, वो समझें कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं। वे एलिमेंट्स, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरते हैं, एस ऑर्बिटल में भरते हैं। क्लियर हो गया, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। नोट, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरते हैं हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बातें आता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी गुण क्या होता है, इनका लक्षण क्या होता है। यस, गुण कह सकते हो, लक्षण कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, जो मर्जी वो कह सकते हो, कह तो सकते हो। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, है ना, तो प्रॉपर्टीज क्या है वो देखें। तो चलिए इसके लक्षण या गुण लिख देता हूं मैं हिंदी में, गुण, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, देखो वैसे ये प्रॉपर्टीज में नहीं आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर फर्स्ट में कि इन सारे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है। तो लिख सकते हो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पढ़ चुके हो आप लोग, सही है ना, NS122, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा संयोजी कोष का, NS1 या 2, ठीक है। दूसरी बातें लिखो, हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व धातुएं होती है, हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व धातुएं होती हैं, ठीक है। तीसरी बातें हैं, इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षारी होते हैं। कैसा होता है, इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारी होते हैं, बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, यस। ऐसे नहीं लिख के छोड़ना, पूरी बातें सेंटेंस लिखना है आपको, ओके। हो गया, इनकी आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है, लो होता है। तो लिखो इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है,
इनके गलनांक क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व डेंसिटी लो होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है कम होती है, और इसका और क्या चीज कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, गलनांक क्वथनांक और घनत्व कम होता है। फिर क्या लिखोगे, ये प्रबल धन विद्युतीय होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, प्रबल धन विद्युतीय होता है, ये प्रबल अपचायक होते हैं, ये प्रबल अपचायक होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, इनकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन प्लस टू होता है। अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो प्लस वन होगा, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो प्लस टू होगा। बेरिलियम को छोड़कर अन्य सभी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, सभी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सभी क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये ज्वाला रंग देते हैं, फ्लेम कलर देते हैं। ये ज्वाला रंग देते हैं, आगे जाकर किसे डिटेल है आपके कोर्स में, आगे के चैप्टर में। ठीक है, तो आगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में जो है। देखो इलेवेंथ में एस ब्लॉक बी ब्लॉक का आधा, एस ब्लॉक पूरा बी ब्लॉक का आधा रहेगा, और ट्वेल्थ में पी ब्लॉक का आधा, फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की पूरी डिटेलिंग है। ठीक है, बहुत कुछ सीखना होता है इसमें। फिलहाल आप क्या समझ गया हो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरता है, एस ऑर्बिटल में भरता है, और उनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एन एस वन टू टू। ये सभी धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है एक्चुअली, लेकिन हमने उसको कहां रख दिए हैं, मैंने हीलियम के बारे में बताया, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फिगरेशन क्या हुआ हीलियम का, हीलियम एची एटॉमिक नंबर 2 1s2, यही होगा कि नहीं होगा। फिर भी हमने इसको अक्रिय होने के कारण, निष्क्रिय होने के कारण हमने जीरो ग्रुप में इसको रखा है, 18th ग्रुप में, वो भी नॉन मेटल ही है। फिर इसके बाद आता है बेसिक नेचर होता है, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, क्षारी होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है कम होता है, इसी तरह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी कम होता है, और यही कारण है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 1+1, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है एस ब्लॉक एलिमेंट तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा, और दूसरे ग्रुप का है तो प्लस टू होगा, और आयनिक कंपाउंड बनाने की इसमें क्षमता होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आपको
जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तब स्पेशली आपको बातें करूंगा। आयनिक कंपाउंड वे होते हैं जब दो एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन दान करता है दूसरा ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने हुए बंध को कहा जाता है आयनिक बंध, विद्युत संयोजी बंध। बाकी आप सब जानते होंगे बातें, पढ़े हो ना बंध, पढ़े हो ना रासायनिक बंध, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कौन कौन सब टाइप के बंध पढ़े हो बताओ, बोलो, विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध, तीन प्रकार के बंध पढ़े हो, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेरिवेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, तो आप पढ़े हो सबको। तो चलें आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसकी क्षमता क्या है कि आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड बनाती है क्योंकि उसके अणुओं के मध्य उसके परमाणुओं के मध्य सॉरी उनके परमाणुओं के मध्य आयनिक बंध होता है। कौन सा कंपाउंड बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। और ये फ्लेम कलर देता है, तो कौन सा जो मेटल है वो कौन सा कलर देता है, इनकी पूरी डिटेल जो होगा वो आने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको बताएंगे, यहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है किसके गुण, एस ब्लॉक एलिमेंट के। अब जरा सोचो, ध्यान लगा के सोचो, क्या आपको ये याद हो जाते हैं? एक बार ट्राई करो अपने दिमाग में डालने की, जब तक डालोगे नहीं डाय जाएगा नहीं। क्या क्या चीजें हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी है ना, फिर मेटलिक प्रॉपर्टी, मेटल है कि नॉन मेटल है, यानी कौन सी नेचर का ये एलिमेंट है, फिर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम लोग, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी कैसी होती है। बाकी ये धातु है तो धात्विक चमक तो होगा ही, धात्विक खनक भी होगा, इसमें तन्यता होगी, खींचा जा सकता है इसको, टेंसाइल नेचर होगा, मेटलिक लस्चर होगा, यस, और क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, रिड्यूसिंग नेचर है इसका, और क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन नंबर आप बताना है। तो क्या एक बार ट्राई कर सकते हो, याद हो गया आपको? बोलो, अब देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिफाइन करो, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा एन एस टू एन पी वन टू सिक्स, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरता है, पी ऑर्बिटल में भरता है। क्या होगा बोलो, परिभाषा क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलोगे, बोलो, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरते हैं। चलिए ठीक है, तो ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं, इनमें इनमें मेटल्स भी आते हैं, मेटलॉइड भी आते हैं और नॉन मेटल भी आते हैं। तो क्या पता चला, पहली बातें, दूसरी बातें क्या, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बोले इनमें पी ब्लॉक तत्व धातु, उपधातु और अधातु, तीनों प्रकार के तत्व होते हैं। पी ब्लॉक तत्वों में धातु, उपधातु तथा, बोलो, धातु, उपधातु तथा अधातु, तीनों प्रकार के तत्व होते हैं। दूसरी बातें, ठीक है, क्लियर हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स की दूसरी बातें। तीसरी बातें, मैंने हमने देखा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट में सारे तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं, तो इसमें तीनों प्रकार के होंगे। कौन कौन सा, बेसिक नेचर भी होगा, एल्कलाइन नेचर भी होगा। इसका दूसरा नेचर क्या होगा, यानी इसमें बेस भी होगा, दूसरा नेचर होगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी, और कैसा होगा, एसिडिक नेचर का भी होगा। तीनों नेचर है, बेस, एम्फोटेरिक और एसिड। तो लिखेंगे हिंदी में, इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्षारीय उभयधर्मी एम्फोटेरिक, नोट कर लीजिएगा, क्षारी और उभयधर्मी तथा अम्लीय होते हैं। इनमें आने वाले एलिमेंट्स के जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है बहुत ही उच्च होते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं कि सबका होगा, लेकिन ये उच्च होते हैं, हाई होता है। लिख लो, यहां पर दो बातें लिखेंगे एक साथ, मैं बता देता हूं आपको। लिखो, इसकी आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। बाद में बता दूंगा मैं आपको, अभी फिलहाल ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। यहां पर बहुत अलग बातें आने वाली है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, कुछ का बहुत लो होता है, कुछ का बहुत हाई होता है, तो इसमें सभी प्रकार के मिलते हैं, तो हम यहां पर इस चीज को नहीं दर्ज कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेशल, इसकी कोई विशेषता नहीं है। यहां पर आप लिख सकते हो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी है, पर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, विद्युत ऋणात्मक तत्व भी होते हैं। ये सामान्यतः, नेक्स्ट लिखो, ये सामान्यतः कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ससंयोजी यौगिक। ये कैसे यौगिक बनाते हैं, सामान्यतः ससंयोजी यौगिक। एक बड़ी बात है कि इस वर्ग में आने वाले, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आने वाले जो तत्व होते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखो, इनके ऑक्सीकरण संख्याएं धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। लिखोगे पी ब्लॉक तत्व ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक तत्व कैसे है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। पी ब्लॉक तत्वों में कौन है जो, अच्छा एस ब्लॉक तत्वों में कौन सी अवस्था होगी, चलो बताओ। हमने एस ब्लॉक तत्व में अवस्था नहीं लिखे थे, स्टेट नहीं लिखे था, सभी ठोस है। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दे तो सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। किसमें, एस ब्लॉक एलिमेंट में, चाहो तो लिख सकते हो जाकर वापस एस ब्लॉक एलिमेंट में चले जाओ, एक लाइन और लिख लो, हाइड्रोजन तथा हीलियम को। हीलियम एक्चुअली एस ब्लॉक एलिमेंट है, पता है ना आपको ये बातें, वो उसमें इसलिए रखा गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्योंकि क्यों, क्योंकि उनके गुण उनसे मिलते हैं। चलिए, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर अन्य, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस अवस्था, गैसीय अवस्था में होते हैं, परंतु अन्य सभी ठोस होते हैं, ऐसे लिखेंगे क्लियर करके। क्या बोला मैंने, एस ब्लॉक तत्वों में लिख रहे हो, किसमें लिख रहे हो, एस ब्लॉक तत्वों में। 11वां नंबर का गुण होगा, मैं जहां तक मैं लिखा था तो मुझे याद था कि 10 था वो, अब 11वां क्या है, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस होते हैं परंतु अन्य सभी ठोस होते हैं। ठीक है, क्लियर, सब कुछ क्लियर है। अब चलते हैं, और इसमें कौन कौन से मिलते हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के मिलते हैं। चलो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। बातें क्लियर रहना चाहिए, बात समझ में आना चाहिए। तो बताओ, क्या आपको मैं पूछूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और उनके कौन कौन से गुण होते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे, कहीं पर भी मैं पूछ लिया रास्ते चलते तो कैसे बताओगे। अरे सिंपल से दो तीन बातें कह दो ना यार, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके कहां भरते हैं, एस ऑर्बिटल में भरते हैं। पहली बात है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1-2 होता है, ये सभी सॉलिड होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके, सभी धातुएं होती है हाइड्रोजन को छोड़ करके, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, चांदी के समान चमकदार होता है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, लिखे हो कि नहीं लिखे हो,
नहीं लिखे हो, आयन ऊर्जा कम होती उसी में आ जाएगा, लिख सकते हो इनकी आयन ऊर्जा कम होती, लिखे हो नहीं, हाँ, तो उसी में आगे लिख सकते हो, अतः बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। देखो जब जब पढ़ोगे ना तब तक नई नई बातें आती जाएंगी और, है ना, इसके आयन ऊर्जा क्या होता है, बहुत कम है, अतः ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। ये धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, लिथियम को छोड़ दोगे वातावरण में तो धीरे धीरे क्रिया करेंगी, लेकिन सोडियम को छोड़ दोगे तो बड़ी तेजी से रिएक्शन करेगी, पोटेशियम को छोड़ दोगे तो बहुत तेजी से रिएक्शन करेगी, ऐसे ही छोड़ दो वातावरण में, ये किनसे रिएक्शन कर जाती है, एटमॉस्फेयर से भी रिएक्शन कर जाती है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनसे रिएक्शन कर जाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एक विशेषता होती है, यही कारण है कि इन तत्वों को रखा जाता है मिट्टी तेल में डुबा करके, सुने होंगे ना सोडियम को मिट्टी तेल में डुबा के रखते हैं। अब ये रट रट के तो पास हो गए कि सोडियम धातु को मिट्टी तेल में डुबा के रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, रटना और उसको समझने में अंतर है, ठीक है। तो चलो हम चलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या होगा इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या कहोगे, जल्दी से बोलो। लिख लो ना, तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो जरा, एन एस टू यहां पर लिखते हैं 1 to 2 और एन माइनस 1 बी 1 to 10। दूसरी बातें ध्यान रखेंगे, सेकेंड बी या क्या बोल सकते हैं ग्रुप 12 के तत्वों जिसमें आता है क्या आता है, पूछना चाहूंगा, नहीं बताएंगे, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर अन्य सभी तत्वों को, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मजेदार चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, किनको छोड़ करके कहा जाता है, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये तो क्लियर है, पर सभी को नहीं कहा जाएगा, किसको छोड़कर कहा जाएगा, इसको, इसको छोड़कर के क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना उसमें यह होता है कि NS2 N-1 D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी इसके जो डी कक्षक होता है पूर्ण रूप से भरा होता है। अगर आप जानना चाहो तो ये लाइन अपने हिसाब से रख सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि इनके, क्योंकि इनका उपअंतिम डी इनर ट्रांजिशन उपांतिम डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, संक्रमण तत्व किसको बोलेंगे, जिनके उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हो, कितना भरा हो, D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो, 10 ना हो जाए, बस
तो क्या है वो? संक्रमण तत्व है। क्लियर हो गया? ये 12th में काम आएगा स्पेशली। तो अभी क्यों बता रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है सोच में। कल की चीजों को आज जान गए तो कल बचा लिया ना आपने, बोलो। चलो हो गया, तो बताओ मुझे संक्रमण तत्व किसको बोलेंगे? जिनके उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है, समझ रहे हो? इनर क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहा गया? क्योंकि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 से 9 तक भरता है, तब क्या कहा जाएगा उसको? संक्रमण तत्व। और इसको इसको क्यों नहीं कहा गया संक्रमण तत्व? एक भी प्रश्न हो सकता है, हो सकता है आ जाए, बोलो। क्योंकि इनका उपांतिम डी कक्षक, उपांतिम डी क्यों बोला गया? अंतिम का अंदर वाला, जिसको ट्रांजिशन सेल कहा जाता है, ट्रांजिशन सेल, बाहर से अंदर वाला ट्रांजिशन, और उसके अंदर वाले को इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। देखिए, अगर कोई परमाणु है इस तरह से, इसमें कई शेल हैं इस तरह का, तो मैं इसको अंतिम बोलूंगा, वैलेंस सेल बोलूंगा, लास्ट सेल बोलूंगा, इसको बोलूंगा ट्रांजिशन सेल बोलूंगा, और इसको इनर ट्रांजिशन सेल बोलूंगा। अब समझ में बातें? तो क्या क्या है? वैलेंस सेल, ट्रांजिशन सेल और इनर ट्रांजिशन सेल, अंतिम कोश, संयोजी कोश, संक्रमण कोश और अंतर संक्रमण कोश, ये नाम दिया गया है। अब इसको भी रट लोगे, इसको भी लिख लोगे तो कॉपी भर जाएगा, भर जाएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ चीजें सुना जाता है, भुला जाता है, सुना जाता है, भुला जाता है, फाइनली वो याद हो जाता है। ठीक है, चलें सर, यहां पे मैं कुछ बातें बता दिया हूं, ये आपके लिए काफी अच्छी जानकारी है, इसको आप नोट रख सकते हैं अपने दिमाग में। तो ये हुआ, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट यानी सभी डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, मरकरी को छोड़कर, मरकरी लिक्विड होता है, अन्य सभी कैसे होते हैं? ठोस, सॉलिड होते हैं। मेटल धातुएं होती हैं, सभी संक्रमण तत्व धातुएं होती है। नंबर तीसरा, हो गया, फिर क्या होगा? सभी मरकरी लिक्विड होता है, द्रव होता है, परंतु अन्य सभी ठोस होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों में या संक्रमण तत्वों में एक ऐसा तत्व बताओ जो द्रव अवस्था में होती हमारे सामान्य ताप पर, बोलो ना। मरकरी, अभी तो पढ़ा रहा हूं, अभी नहीं बता पा रहे हो यार, बड़ी बुरी हालत है आपकी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके। चलिए आगे, चले आगे, इसके एक एक स्टेप्स में बोलते जा रहा हूं, समझते जाना और लिखते जाना। लिखो, इनके आयन एवं यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं, रंगीन, रंगहीन नहीं कहा, कलर्ड बोला, रंगीन होते हैं। इनके आयन एवं यौगिक प्रायः कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, रंगीन, कलरफुल होता है। इसका मतलब क्या है आगे जाके किसी क्लास में पढ़ाऊंगा और अच्छे से, ठीक है, या हो सकता है इसी क्लास में पढ़ा दूं। फिर लिखो, ओके, लिखें, इनमें उत्प्रेरकीय गुण होता है, कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज, उत्प्रेरकीय गुण होता है। उत्प्रेरकी मतलब ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। कुछ बहुत सारे जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
ये संकुल बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स बनाती है, संकुल, कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं उपसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्ती होता है, वेरिएबल, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, परिवर्ती होता है। मतलब निश्चित नहीं होती, कुछ एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो देख लो, जैसे आयरन का है, आयरन Fe+2 Fe+3 दो प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल दिखाई दे रहा है ना, कॉमन ही है। इसी तरह से दूसरे एलिमेंट्स की भी बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, कोई कमी नहीं है। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 +4 +5 +6 and +7 तक होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में हो सकते हैं ये, तो इसको बोलते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, एक से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर। आप नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। एक और लिख लो, इनके आयन एवं यौगिक अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, चुंबक की तरफ आकर्षित होने का गुण। पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक हो गया। तो आपने कुछ गुण लिखे हैं तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरते हैं, अंदर वाले डी ऑर्बिटल में, बाहर कोश होता है, एस होता है बाहर वाला भर जाने के बाद, अंदर के डी में भरने लगता है, तो इसको बोलते हैं, इस कारण से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। दूसरी बात है डी कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भरे होते हैं, इसी कारण से इसको डी कक्षा क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व कहा जाता है। एक और बड़ी बात है मैंने बताया यहाँ पे कि इनके यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यौगिक और आयन कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। बात याद रखना कि इनके कंपाउंड जो रंगीन है, यहां पर जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा दूं, समझ जाओ, CuSO4 ये रंगीन यौगिक तब है जब इनके साथ पानी लगा हो, यानी हाइड्रेटेड कंपाउंड ही क्या होगा, कलर होगा, कलर्ड कब होगा, उसमें पानी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप Cu में रंगीन होने का कारण, Cu+2 बनाता है और इसमें रंगीन होने का कारण यह है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके बारे में जानकारियां आगे बढ़ती जाएंगी आपको और आप ज्यादा अच्छा करते जाओगे, ठीक है। अब भी बोलो सर तो अभी इसमें चला जाऊंगा तो आगे के काम रुक जाएंगे हमारे, तो ये बातें होना ही है आपकी क्लास में, ठीक है, कि ये रंगीन क्यों है। तो हमने अभी एक कॉमन जानकारी ली है कि ये रंगीन होते हैं, ठीक है, कैसा होता, अनुचुंबकीय होता है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास आगे है। कुछ बच्चों ने हमारे वीडियोस क्लास देखे हैं या किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो उस टाइम उनको जानकारी है कि सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट देखे होंगे या थर्ड देखे होंगे, तो उसमें जरूर बताएगा कि रंगीन क्यों है और रंगीन कौन सा कलर्ड है, कौन सा कलरलेस है, ये बताने के लिए वहां पर क्लासेस हुए हैं। एक और लिख लो, ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक, ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड देते हैं अरस समीकरण मितीय यौगिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड देते हैं अरस समीकरण मितीय यौगिक।
11th में जितना सीख लोगे, जितना समझ लोगे, 12th में काम आएगा, आगे काम आएगा। 11th में सिर्फ मार्क्स लाने के चक्कर में दो चार पॉइंट को पढ़ करके आप बोलोगे सर मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, 11th में पास होके किसको दिखाने हैं? गुरुजी को, मम्मी पापा को, 12th में जाके डब्बा है ना, 12th में जाके डब्बा। बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने देखा है कि 11th में उसकी नॉलेज नहीं रहती है, पर दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्कूल में लिखा देते हैं ना टीचर, मैं टीचरों को यही कहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना लिखाएं स्टूडेंट को, उनको बहुत बड़ा रेंज दें कि हम कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे, तो उनको लगभग सब चीज पढ़ाइए क्योंकि 11th का हर पॉइंट जरूरी है उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो ऐसा मत बताइए कि ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, मिड टर्म आ रहा है, मिड टर्म फर्स्ट, मिड टर्म सेकंड, मिड टर्म थर्ड जो भी ले रहे हैं आप, मॉडल एग्जाम ले रहे हैं या एनुअल एग्जाम ले रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन मत बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं में से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी ना लिखाएं आप, इनको चैलेंज दीजिए, 12th से ज्यादा चैलेंज 11th में दीजिए, बच्चे देखना बहुत अच्छा करेंगे, फेल भी होता है नो प्रॉब्लम, दोबारा पढ़ाइए क्योंकि 11th बहुत जरूरी है। आपको भी यही कह रहा हूं, स्टूडेंट को भी यही कह रहा हूं कि अगर आप फेल होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा पढ़िए इसको, आपका भविष्य जो आपका नींव इतना स्ट्रांग होगा कि आप बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल सकते हैं, एंट्रेंस निकाल सकते हैं। पर समझना जरूरी है पूरी चीजों को, हर एक सब्जेक्ट में बोल रहा हूं ना, एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे मेरी बातें? तो वो होना चाहिए, यानी आज से मन बना लो कि आप जितना ज्यादा हो सकते जितनी सारी बातें हैं उनको समझ लें। फिलहाल तो एक मैसेज है ये कि अच्छे से पढ़िए, ठीक है, एक एक बातों को पढ़िए। अभी मन कच्चा है, एकदम ऐसा लगता है कितना सारा कैसे आ गया, वो तो गलती तुम्हारे 10th की है कि आपने वहां तक बड़ा कोर्स नहीं दिया गया, एकदम अचानक 11th फैल जाता है। आपने देखे होंगे हर सब्जेक्ट फैल गया है, बोलो तो फैला नहीं, वो पहले से है उतना गहरा, पहले से उतनी गहरी है। आप 10th की कोर्स उठा के चलिए, 9th के कोर्स उठा के चलिए, बहुत गहरे कोर्स है, पर एक्चुअली क्या किया आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट के चक्कर में सब छोड़ दिया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट का जो है सीमा रेखा एकदम बढ़ जाता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ जाता है। सीखना हर टाइम है, चाहे 9th में रहो, 10th में रहो, चाहे क्लास 6 में रहो, सीखते हुए अगर आते तो आज एक तकलीफ नहीं होती। तो आज हमको हमारा जो कोर्स है, जो क्लासेस है, कहीं पर थ्योरी है, कहीं पर न्यूमेरिकल है, कहीं पर रिएक्शन है, कहीं पर कुछ ऐसी चीजें, लगभग सारी बातें केमिस्ट्री में आप लोग पहली बार सुन रहे होते हो ना, इसलिए डर लगता है। ठीक है, मन बनाओ, अच्छी मेहनत करो, इंटरेस्ट लो, सब कुछ अच्छा होगा। मैं एक और पॉइंट लिखा देता हूं, वो है ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, इंटरस्टाइशियल कंपाउंड। ये अंतराकाशीय यौगिक अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, ठीक है, इंटरस्टाइशियल कंपाउंड। अब ये क्या होते हैं बेटा, आगे जाकर बताएंगे, अब भी अब इतना गहरा नहीं हो सकता। अब चलेंगे कौन सा, एक जरूरी सूचना है कि हमारे क्लास ऑनलाइन हो रहे हैं, आप हमारे क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, और हमारी जो क्लास यहां पे जो चलती है, यहां पर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन्हीं क्लास को आप डायरेक्ट लाइव देखेंगे, जो मैं इनको पढ़ाऊंगा वो आपको भी पढ़ाऊंगा। आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट आएगा या किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो उनके सॉल्यूशन भी होगा, जैसे कि इन स्टूडेंट्स का होता है। सारी बातें उसी तरह से होंगी जो इनके साथ होता है, मतलब सीधी सी बात है, मेरे क्लास का लाइव होगा, अब उस लाइव क्लास में बैठ सकते हैं। 12th की क्लास 6:30 to 7:30 मॉर्निंग, 11th की क्लास 7:30 to 8:30 मॉर्निंग, और ये जो क्लास है इनका टेस्ट भी होगा, वीकली टेस्ट होगा, आपको क्विज भी पूछा जाएगा, एमसीक्यूज भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी ऑनलाइन। तो वो जो है, वो जो क्लासेस है, ये लगने वाली है मंडे से फ्राइडे तक की, 2 दिन ऑफ रहेगा जिसमें आपको अपनी तरह से रिवीजन करना है, तैयारी करना है, और जो क्विज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इस तरफ आपको मिलेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, और आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगा, बहुत सारी बातें आप सीख पाएंगे। और जिस तरह से मेरी क्लासेस अभी तक आपने यूट्यूब में देखे हैं, वो क्लासेस रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्डेड क्लास है, और ये लाइव होगा आपके साथ, यानी हम आपसे बात करेंगे। आप किसी तरह का कोई चैटिंग करते, किसी तरह का कुछ पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो हम उसके जवाब आपको क्लास में जरूर देंगे,
और आप जो चैटिंग करेंगे वो हमारे सामने हमारे स्क्रीन में जरूर दिखाई देगा और उनसे हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो पूरी बातें लाइव होने वाली है, पूरी क्लास लाइव होने वाला है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है 9644562030। ये फोन नंबर है, एक ही नंबर है, मैं अलग अलग इसलिए लिखा कि जल्दी से याद हो जाएगा। 9644562030 ये नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर याद भी हो गया होगा कुछ बच्चों को, है ना, 9644562030। इस नंबर पर कॉल करके अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर दर्ज करा दें, किस तारीख को स्टार्ट होने वाला है ये आपको सूचना जारी कर दी जाएगी, उस व्हाट्सएप नंबर में आपको भेज दिया जाएगा। क्या फीस लगेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा उसी व्हाट्सएप में। तो फिर हम मिलेंगे लाइव क्लास में, चलें आगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ns2n-1d01 n-2f12 14। प्रश्न आता है, अभी कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर अंतर संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यही अंतर संक्रमण तत्व। लिखो क्या होगा डेफिनेशन, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। चले हो गया, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1 D12 0 to 1 D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसके बाद आगे की देख लीजिए N-2 F12 14। ठीक है, अब लिखो गुण या विशेषताएं में, पहला सभी, अच्छा ऐसे लिखो, ये इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या लिखा है, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो सभी धातुएं होती हैं, धातु है ना, मेटल है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ नेक्स्ट, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्रायः +3 होता है, परंतु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, परंतु परिवर्ती वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, परंतु परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है। हो गया बेटा, परंतु परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, परंतु इनके आयन एवं यौगिक रंगीन होते हैं, ये संकुल बनाते हैं, ठीक है, ये संकुल बनाते हैं, एटॉमिक नंबर 92 ब्रैकेट में लिख लो यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व, एटॉमिक नंबर 92 के बाद आने वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या बोला मैंने, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो धर्मी होते हैं, जिन्हें ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। बस
ठीक है, इतना काफी है, हो गया। सारे गुण होंगे जो जो उसमें भी होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो जो गुण होते हैं सब इसमें होंगे लगभग लगभग, ठीक है। अब अगर भूल गए ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो कम से कम इतना तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, बाकी अगर सब भूल गए तो छाप देना, मतलब अगर पास होना है तो। और अगर मान लो एमसीक्यूज की तरफ जाते तो एक्यूरेसी होना जरूरी होता है, तो उनके लिए तो परफेक्शन में रहना है। तो आज हमने देखा एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। कॉमन हमने कुछ गुणों को देखा, तो जब नेक्स्ट क्लास में आओ तो इनको याद रख के आओ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नमस्कार। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोज़ है जो रैंडम में आएगा, यानी आगे पीछे आएगा। वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नए नए अपलोड होते जा रहे हैं वो आता है, और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।